सीमेंट लगा के इसमें सीमेंट लगा के दबा देंगे, ठीक है। बाकी देख सकते हैं इसमें हमने सीमेंट डालना है हमको, इसमें वाइट सीमेंट डालेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए पचरी ठोके हैं पाइप का दबा के 1.25 इंची, और बाकी का जो गैपिंग है वाइट सीमेंट भर देंगे। और रेलिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा भी जर्किंग नहीं, एकदम मजबूत है, ठीक। सेटिंग देख सकते हैं, पिलर बचाने के चक्कर में काम नहीं खराब करना चाहिए कभी भी, देख सकते हैं आप। स्टेप ये ना हो कि एक स्टेप ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ की सेटिंग आप देख सकते हैं किस तरह से हमने घुमाया है, इसका रेट है 304 में 700 रुपया रनिंग फिट, 304 की रेलिंग है, ठीक है। 700 रुपया रनिंग फिट के हिसाब से है, मास्टर पिलर का अलग से है, 1800-2000 ले सकते हैं इसका, ठीक है। 202 में चाहिए तो 600-650 के रेट में ये वाली फिटिंग आएगी, 18 गेज टोटल 304 है बिल्कुल। ये देख सकते हैं हम मास्टर पिलर पे बोल ऐसे लगाते हैं, ये दिखाना बोल रहे थे, देख सकते हैं ये आप बोल हाथ नहीं कटेगा अगर ऐसे लगाएंगे तो। बाकी का चौकोर जो बेस आता है इसके बराबर वाला, वो देखेंगे कभी भी ओवर होता है या तो छोटा पड़ जाता है तो हाथ कट जाता है उससे बेस से। ये देख सकते हैं ये हम जो मास्टर पिलर गोल वाले पे लगता है उसी को लगा रहे हैं इस पर, लगा दो। ये एक सीट लगा के हम इसका पूरा मुंह बंद कर दिए हैं, ये हमारे पीछे भी वीडियो में एक ऐसा सेटिंग देखेंगे आपको मिल जाएगी। तो इससे फायदा क्या है आपको कि ये जो है ना ये हाथ नहीं काटेगा, ठीक है। वो जो आता है बिल्कुल चौकोर आता है उसमें बावरी बहुत होती है और बाहर निकलता है, या तो इस पर बराबर नहीं बैठेगा या तो बाहर निकलेगा या तो हाथ काटेगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, देखने में भी अच्छा लग रहा है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। इसकी सेटिंग देख सकते हैं आप, यहाँ थोड़ा हमने चेंज कर दिया है क्योंकि ये ऊपर नीचे आ रहा था पाइप, तो ये देख सकते हैं कैसे हमने सेटिंग कर दिया है इसका, ठीक है। बिल्कुल मजबूती में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कुछ भी। ये देख सकते हैं ये रेडीमेड पिलर नहीं है, ये स्टेप जो है ये मेरा बनाया हुआ है स्टेप, ये रेडीमेड नहीं है। मैं रेडीमेड बहुत कम काम करता हूँ, ठीक है। लेंथ ला के मैं पूरा स्टेप बना के काम अपना करता हूँ, ठीक है।
ये पूरा मेरा बनाया हुआ स्टेप है। ग्रेड दे सकते हैं इसमें 304। बोलो यार कुछ, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो। कटर गिरा है नीचे, कटिंग है अच्छे। बोलो ये इसकी सेटिंग है, देख सकते हैं। ये भी देखें, ये हमने यहाँ भी वैसे किया है, ठीक है। ये अच्छा लगता है, देख सकते हैं आप भी, ठीक है। थोड़ा ऊंचा भी हो जाता है और ये नहीं लगता है कि चालू काम हुआ है, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, अच्छा काम करने के लिए समय चाहिए। बाकी चालू काम करना है, एक टाँका लगाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग एक टाँका सिर्फ मार के छोड़ देते हैं। ये हमने दो टाँके, कम से कम दो टाँके लगाते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं एक टाँका नहीं लगाया हमने, कम से कम दो टाँके लगाते हैं। ज़्यादा मोटा हो जाता है तो पेपर मार के घिसाई करके पॉलिश करते हैं, लेकिन वेल्डिंग मारते हैं प्रॉपर। ये बॉल होल में सब में देखिए, हमने किसी चीज़ से चिपकाया नहीं है, सब वेल्डिंग किया, सब में टाका लगाया हुआ है। ये सर जी का मकान है, काम बता दीजिए सर जी कैसा हुआ है। सुनील जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी फिनिशिंग दी है जो कि मैं अभी पहले भी काम कराया, बट ये फिनिशिंग मेरे पहले नहीं हुई है। मैं काफ़ी हैप्पी हूँ इससे, और आप लोगों को दर्शकों को बोलूँगा कि सुनील जी के पास सेवा का मौका जरूर दीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत बारीकी से काम करते हैं। धन्यवाद सर।